आत्महत्या के मामले में सुनवाई न होने से परिजनों में इस कदर रोष बना हुआ है कि मृतक बलराज की पत्नी, बेटा और बेटी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। बलराज महारा निवासी ने 9 जून को गोहाना के पार्क में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस की कोई कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने कार्यालय पर सुसाइड करने की धमकी दी है। मेरा नाम सतपाल है, मैं बलराज कालड़ का जोगी खानपुर यूनिवर्सिटी में एक माड़ी के पद पर काम करते थे। उन्होंने 9/6/2000 को बड़ा आत्महत्या कर ली। उनके स्टाफ ने इतना उसको इतना टॉर्चर कर दिया कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। DSP सभी अधिकारियों के पास चक्कर काट चुका हूँ, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें सुमंदलाल निर्मला देवी का भी नाम है। उन और कुछ और स्टाफ के भी जानकारी आ रही है कि वो भी इसमें शामिल है। अगर सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मदर वहाँ SP ऑफिस में जाकर आत्महत्या कर लेंगे, जिसका प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। भोगा के गांव बुट्टर में बीती देर रातों समय मातम छा गया, जब विवाह समारोह के बाद खुशी में पार्टी चल रही थी और DJ की धुन बजते ही सरपंच सिंदर और उसके साथियों ने हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहीं पर मौजूद अमरिंदर सिंह ने सरपंच और उसके साथियों को हवाई फायरिंग करने से रोका तो सरपंच सिंदर और उसके साथियों ने युवक पर गोली चला दी, जिससे अमरिंदर सिंह की मौत हो गई। वहीं दूर खड़े एक व्यक्ति को गोली लगी जो कि घायल हो गया, जिसे तुरंत फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने सरपंच और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरविंदर सिंह, गुरविंदर जी, जरा भाई हादसा होया जी? पहला मेरे भरा दे पहली गोली इन्हें मारी शरणजीत सिंह शरणे ने जी, इतने पहली गोली वो लगी। दूजा गोली चलाई है जी छिंदर सिंह सरपंच ने जी, वो गोली किसी पिंड के किसी बंदे दे लगी है जी। DJ लग्या होया सीगा जी, उत्थे वो आए छिंदर सिंह सरपंच नाल उहदे जिहड़े उहदे बंदे सीगे जी, वो आ के हवाई फायरिंग करन लग गए। तो इन्होंने मेरे ब्रदर ने तो कुछ इन्होंने भी उन्होंने रोकया एवं भी ना करो किसी के लग जूगी। उन्होंने एवं गलत कुछ भी बोले इन्हों भी बोल के एवं गेट च जा वड़े बाहर गेट च जाके इन्हों गोली मारी जी। पहली गोली इन्होंने मारी शरणजीत सिंह शरणे ने जी, तो दूजी छिंदर सिंह ने एक फायर किया जी, वो किसी पिंड के बंदे दे लगे जी। वो जो बंदे लगे पिंड तो तुम्हारी फैमिली का बंदा है? नहीं, वह पिंड चो है जी, कोई होर है जी, फैमिली चो नहीं। वो की काम की करते जी? वो शायद वेटर है जी, उत्थे विआह च वेटर सी जी। सरपंच कौन सी पार्टी तो बिलोंग करते जी? अकाली दल पार्टी जी। कितने फायर लगे तुम्हारे ब्रदर को? एक जी। तो तुम्हारे ब्रदर पहले कोई रंजिश भी सी उन्होंने नाल? नहीं जी, कोई रंजिश नहीं है। की कारण रहा जी फिर DJ नू लैके? नहीं, DJ नू लैके नहीं जी, वह हवाई फायरिंग नू लैके। हवाई फायरिंग कर रहे? हाँ जी, वह हवाई फायरिंग कर रहे थी। इन्होंने रोकने की कोशिश की भी ना करो किसी के लग जूगी, साढ़े पेट बज सकती है। तो ब्रदर का की नाम से कितनी उम्र से? अमरिंदर सिंह सी जी, का नाम 28 साल की उम्र। की काम कर रहे थे? खेतीबाड़ी करते थे। कल रात 10:30 की गल है जी, किंदरी नाम का लड़का जी दे शादी सी जट सिख, वो बरात तो वापस आए थे, डोली लैके आए थे। रात नूं DJ लगा होया सीगा उत्थे, पिंड वाले सारे नची गई जांदे सीगे। उत्थे छिंदर सिंह नाम का जिहड़ा मौजूदा सरपंच है वो सीगा, नाल उहदा एक गनमैन सीगा, एक हनी है सरना जिहड़ा, इहदे कोल 315 बोर बंदूक सीगी, सरपंच कोले भी 315 बोर बंदूक सी। ये हवाई फायर करी जा रहे थे। जिहड़ा मकतूल है ये मुंडा 24-25 साल का चढ़दी उम्र का मुंडा सीगा अमरिंदर सिंह, इन्हें उन्होंने रोकया भी तुसी हवाई फायर ना करो, ये उस गल तो तहस च आ गए। तो जिहड़ा सरपंच का बॉडीगार्ड सीगा उन्हें सीधा फायर मारिया, उहदे नाल जिहड़ी कि मौके पर राह ते लजांदे हुए बंदे की मौत हो गई। 315 बोर की नाल गोली जिहड़ी आर पार हो गई है। उस तों बाद सरपंच ने भी फायर किए जिहदे नाल एक
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਰਲ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾਖਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, 70 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ, 302-307-34-25-27-54-59, ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਰ, ਗੋਲੀ ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਕਤੂਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਕ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਪੰਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੋਟਰ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੇਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਬਾਤ ਕੇ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਟੈਸ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। बालू माफियाओं के अवैध खनन से आरामबाग के द्वार केशवर नदी पर बने रामकृष्ण सेतु के 4 प्रमुख पिलरों में से 3 के नींव के तले से मिट्टी दिनों दिन खिसकती जा रही है। रामकृष्ण सेतु किसी भी समय ढहने के कगार पर है, जिसमें हजारों लोगों के दुर्घटना में शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। औरैया जिले में जिला पंचायत सदस्य सुधीर सिंह उर्फ कल्लू यादव पर दिव्यापुर थाने में घुसकर थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज व अभद्रता किए जाने के आरोप में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सुधीर सिंह अपने अन्य एक साथी के साथ थाने में अवैध कब्जा करने के आरोपी की पैरवी कर रहा था। असल में ये हरचंदपुर चौकी क्षेत्र का एक टकनाई गांव है, वहाँ पर एक ज़मीन का प्रकरण था जिसमें कुछ लोग अवैध कब्जा करके अपना निर्माण कर रहे थे। तो वादी हैं राजेश कुमार, इन्होंने जो है उनके बारे में जब शिकायत की और जाकर उनको रोकना चाहा तो उसको साथ मारपीट की। इस पर SO और चौकी इंचार्ज उनको लेकर थाने आ गए थे और उनको मारपीट की धाराओं में बंद कर दिया था। इसके बाद में कल्लू और राणा वगैरह, कल्लू यादव है और राणा है, ये लोग जो है उनको छुड़वाने के लिए आए और काफ़ी दबाव बनाने लगे और काफ़ी उन्होंने यहाँ पर अभद्रता की, जिसके लिए जो है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है मारपीट और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा कायम किया है, कार्रवाई की जा रही है। कल्लू यादव, सुधीर यादव और शायद जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के शायद चुनाव ये जीते, क्या ये समाजवादी पार्टी के नेता? अब ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये चुनाव लड़े थे और उस संबंध में शायद ये जीते हैं ये लोग। पिछले दिनों मोगा के डिप्टी मेयर जनरल सिंह द्वारा व्हाट्सएप पर बाल्मीक समाज के लोगों के खिलाफ अपशब्द लिखने और व्हाट्सएप मैसेज को वायरल करने के लिए बाल्मीक समाज के लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है, जिसके लिए बाल्मीक समाज डिप्टी मेयर पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को GA दर्शी के जरिए एक मांग पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस रोष के चलते आज बाल्मीक समाज की ओर से बाल्मीक चौक में मोगा के डिप्टी मेयर जनरल सिंह का पुतला जलाया गया।
गोहाना की एसआईटी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने 7 युवकों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवकों पर हत्या, लूटपाट व मारपीट करने के कई मामले दर्ज हैं। आरोपियों को गांव खंदराई में बंद पड़ी धर्मशाला से गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर मौके से गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 7 हथियार, 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आपका आवाज नहीं आई सर, आवाज नहीं आई, आवाज बिल्कुल मध्यम थी आपकी। सर आरोपी पकड़े हैं, पूरा मामला इसमें हमने जी अपराध की योजना बनाने का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें तकरीबन अभी 7 आदमी हैं, एक आदमी और वांटेड है, और 7 असले पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 असले इलीगल हैं, 3 असले लीगल हैं, और वो किसी अपराध की योजना के तहत हमको इसमें राउंड अप किया गया है। 40 के करीब इनके अलग अलग जो कैलिबर के हैं, 9 mm के, 32 बोर के, 12 बोर के हथियार जो पकड़े गए हैं, उनके कुल मिला के 40 जो है गोलियाँ है, गोली सिक्का है वो पकड़ा गया है। और इनमें कई के खिलाफ जो है पहले से भी केसेस हैं, हीनियस क्राइम के केसेस हैं, 307 हैं, 302 हैं, इस टाइप के हैं, और पहले भी इनमें से एक दो आदमी जो है गिरोहबंदी में पकड़ा गया है। अभी इनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, और उसमें हम जो है ये चाहेंगे कि आगे इनका रिमांड लिया जाए और अच्छी तरह से पूछताछ की जाए। इनका जो रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ जिस जिस थाने में इन्होंने अपराध किया है, वो भी मंगवा कर और अदालत के सम्मुख। सर ये कहाँ पकड़े गए, लाया जाएगा कहाँ पकड़े गए? जींद रोड से SIT जो टीम है गोहाना की, उसने एक रूम में से पकड़े हैं। और जो अब आगे की जो कार्रवाई है, जैसे कोई नया फैक्ट हमारे सामने आता है तो उस बारे में हम आपको बताएंगे। ये 2 गाड़ियों में थे और जींद की तरफ से आ रहे थे। कईयों का एड्रेस जो है इनमें से आरोपियों का, वो जींद का है और कुछ का हिसार का। गोहाना में खरगोंदा रोड पर वर्ना कार छीनने का मामला सामने आया है। सूचना देने के बाद भी पुलिस एरिया बांटने में व्यस्त रही। पीड़ित सत्येंद्र पाल ने 100 नंबर पर फोन करके गाड़ी छीनने की सूचना देने के बाद सदर थाना पुलिस व शहरी थाना पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। वहीं इस वारदात के दौरान अगर समय रहते वायरलेस पर ड्यूटी दर्ज करवा दी जाती तो शायद कार लूटने वालों को समय रहते पकड़ा जा सकता था। मैं सर चीन से आया था, भगवान परशुराम एजुकेशन कॉलेज में मेरी मिसिस प्रिंसिपल हैं डॉक्टर उषा वशिष्ठ, उनको लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही मैं आ रही ने यहाँ गया, ब्रेकर के ऊपर गाड़ी स्लो हुई, उन्होंने मुझे आ दिया कि सर वहाँ तो गो कर दो। गाड़ी रुकने के बाद उन्होंने जस्ट मेरे साथ बैठने के बाद, गाड़ी नंबर HR 31D 4119। कितने जने थे? 2 जने थे जी। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा, वाइट कलर की सर, गाड़ी रोकने के लिए मेरे को कहा, मैंने गाड़ी रोकने से मना किया। उसी टाइम उसने अपना माउजर निकाल के मेरे कंधे के ऊपर लगा लिया। मैं भाई गाड़ी नहीं दूंगा, मैं भाई गाड़ी मारने के बाद भी तो देगा, वैसे दे दे। दूसरा पीछे साथ वाला बोला इसको गोली मार दे, गोली मारने के बाद भी तो गाड़ी देगा। इतना कहने के बाद मैंने गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी की छाप उसको दे दी। जस्ट वहीं से उसने अपनी गाड़ी को बैक लेके फिर वो यहाँ से रोहतक रोड की तरफ निकल गया। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी वरना, व्हाइट कलर की वरना गाड़ी है, HR 31D 4119 गाड़ी नंबर। जींद का रहने वाला? जींद का रहने। सर क्या काम करते हैं? सर मैं सिविल हॉस्पिटल में HIV/AIDS काउंसलर हूँ, सिविल हॉस्पिटल जींद। क्या नाम आपका? सत्येंद्र पाल नाम है सर, सन ऑफ श्री राम। किसी और चीज पे खड़े थे पहले से? नहीं, वो पहले से ऑलरेडी पैदल ही थे। तो पैसे नहीं, कुछ नहीं सर, उन्होंने गाड़ी मांगी, गाड़ी मना करने के ऊपर उसने मेरे ऊपर अपना मोजर निकाल के लिखा दिया। दूसरा कह रहा है कि अगर नहीं दे रहा तो गोली मार दे, गोली मारने के बावजूद भी तो गाड़ी देगा। और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं छीना, कुछ ऐसा कुछ।
जिला मोगा के कस्बा भागा पुराना में उस समय सनसनी फैल गई जब डेरा राधा स्वामी के सामने एक 17-18 साल की लड़की का शव मिला जिस पर काफी चोटों के निशान थे। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए भागा पुराना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के पास से कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि लड़की लुधियाना के जगराओ पुल के पास की रहने वाली है। मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਾੜੀ ਪਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ जिला टीबी अस्पताल में बहुआ का एक मरीज मिंटू पुत्र जय नारायण जो कि बहुआ कस्बे का रहने वाला था खुद को दिखाने अपने 7 साल के बेटे आयुष के साथ अस्पताल गया था। इस दौरान मरीज अस्पताल के गेट पर गिर पड़ा जिसके चलते उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन अस्पताल के भीतर मौजूद जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एस के सिंह ने अपनी कुर्सी छोड़ने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा ये रहा कि बीमार मरीज ने वहीं मौके पर तड़प कर दम तोड़ दिया। क्या हो गया इनको? खून निकल रहा। कितनी देर से यहाँ पड़े हैं? बहुत देर से पड़े। कोई डॉक्टर आया? कोई नहीं आया। डॉक्टर को दिखाने आए थे यहाँ। क्या नाम है इनका? मिंटू। कहाँ रहते हैं? मरीज का अगर साथ वाला कोई आके सूचना देगा। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। एक छोटा बच्चा था, बच्चा हो सकता है। बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा 2 घंटे से यहाँ पड़े हुए थे, मुझसे खून निकल रहा था, कोई देखने तक नहीं आया। ये आप कह रहे हैं, बच्चा नहीं कह रहा। बच्चा कह रहा है ये आप कह रहे हैं। अभी आपके सामने बच्चा बैठा है। आपने अभी बाहर बैठे हुए मरीज से पूछा है, मरीज ने बाहर बैठे हुए मरीज ने आपको बताया भी है कि अभी 10-15 मिनट पहले ये बैठे हुए। अरे आप बोल रहे हैं कि गाड़ी पार्क कर रहे थे तब बच्चे ने बोला आपके सामने? अभी जो आपने पूछा है मरीज ये कह रहे हैं कि हम 10-15 मिनट पहले आए तब वो पड़ा था। ओवैसी द्वारा की जा रही भड़काऊ बयानबाजी के विरोध में मेरठ के एक अधिवक्ता ने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत में वाद दायर किया था जिसे स्वीकृत करते हुए अदालत ने थाने से आज्ञा मांगी है और आगामी 6 जुलाई तारीख रखी है। उसमें हमारे जो विधायक है AIIMIM के मिस्टर ओवैसी, उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था जिसमें बिल्कुल निश्चित तौर पे देशद्रोहियों को बल मिल रहा था, ISIS के आतंकवादियों को सर बल मिल रहा था और जिससे पूर्ण संभावना ये थी क्योंकि उनकी नियत देश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए दगा कराने की है। उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं भारत की इज्जत नहीं करूंगा, इबादत नहीं करूंगा, इज्जत इबादत नहीं करूंगा। और दूसरा उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया था वो ये था कि उन्होंने जो दूसरा आपत्तिजनक जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं जो पकड़े गए हैं ISI के मॉड्यूल जो पकड़े गए हैं हैदराबाद में हमारी NI ने पकड़े हैं उनके क्या कहते हैं मैं मुफ्त कानूनी पैरवी करूंगा, कानूनी मदद दूंगा उनको मैं। और तीसरी बात उन्होंने धमकी दी थी NIA को, जो हमारी संवैधानिक एक संस्था है, कि अगर ये बोलते छूट जाते हैं 2-4 साल में तो उन अधिकारियों को जिन्होंने इनको पकड़ा है उनको नौकरी उनकी समाप्त की जाए। इसमें जो कानूनी बात है वो मेन बात ये है कि पहली बात तो ये है कि आप किसी ने आपसे इन्हें कहा कल या परसों कि आप भारत की इबादत करेंगे, ये आप जो बात अपने आप कह रहे हैं
निश्चित तौर पे यह बात जो है आप लोगों की धार्मिक भावना भड़काने के लिए उन्होंने कही है बात, माहौल खराब करने के लिए कही है, जो एक गंभीर अपराध है। कोई किसी ने आपसे नहीं कहा कि इबादत करें या ना करें, आप लोगों को भड़काने के लिए, आपको पता है कि इससे जो कुछ समुदाय है, कुछ लोग हैं व्यक्तिगत हर तरह हर धर्म में वो लोग इसे भड़क सकते हैं, उनकी भावना भड़क सकती है, और आप देश का इसमें अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन पे ही सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च और जो हमारे मॉनेस्ट्रीज हैं, महावीर जैन के मंदिर हैं, जितने मंदिर हैं सब हिंदुस्तान की जमीन में बने हैं, और हर आदमी हर धर्म का आदमी जाकर के उस जमीन को सजदा करता है, नमस्ते करता है, जाते छूता है, हाथ जोड़ता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम भारत की इबादत नहीं करेंगे, आप भारत की मिट्टी में बनी हुई जो हमारे क्या कहते हैं पवित्र हमारे जो पवित्र स्थान है वहीं जाते हैं आप, वो भारत की जमीन पे है, कहीं और नहीं है। दूसरी बात आपने जो कहा है, क्योंकि कानूनी तौर पे सिर्फ हम लोग मदद सरकार कर सकती है किसी गरीब आदमी की जिसको जिसके पास पैसा ना हो, उसके लिए व्यवस्था है कि कानूनी मदद सरकार करेगी, उसके लिए एजेंसीज है। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी अपराधी की किसी अपराध में मदद नहीं कर सकता, ना कानूनी ना आर्थिक। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपराधियों की जो इतने जघन्य अपराध में पकड़े गए हैं जिनका संबंध आईएसआईएस से सब क्या कहते हैं ये इस बात का शक है कि उससे संबंध है, उनके पास असले बरामद हुए हैं, उनके पास से ऐसे लिटरेचर बरामद हुए जिससे लगता है कि आप दंगे वो लोग कर रहे थे, देश में जो म्यूटी पैदा कर रहे थे, जो देश द्रोह का काम कर रहे थे, अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं कानूनी तौर पर, जो अधिकार आपको नहीं है कानून में, वो कानून के अंतर्गत अपराध है, गंभीर अपराध है। आप देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आप देश द्रोहियों को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप उनकी मदद कर रहे हैं जो देश में म्यूटनी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत इस अपराध में फांसी हो सकती है। और तीसरी बात, आपने एनआईए के अधिकारियों को धमकी दी है, हर अधिकारी डर जाएगा इस बात से कि भैया तूने पकड़ लिया आतंकवादी को या किसी और अपराधी को, वो छूट गए तो नौकरी जाएगी, तो कल को कौन एनआईए वाला कौन आर्मी वाला पकड़ेगा। आपने एक भय क्या कहते हैं ओबीसी आपने पैदा किया है, जो उससे संबंधित धाराएं हैं म्यूटनी की, देशद्रोह की, उकसाने की, उत्प्रेरित करने की, वो हमने उसमें मुकदमा किया है, और साथ में धार्मिक भावनाओं को लोगों के भड़काने की मुकदमा किया है। उनका औचित्य विहीन बयान था और उसका मकसद सिर्फ दंगे कराने का था, और ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि सरकार शांत है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को आगे आना पड़ा है। ये सर नौ चैंडिट नहीं की, हमने 156 दिन की एप्लीकेशन दी है जिसमें मुकदमा दर्ज करने के आदेश मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, वो कोर्ट एसीजीएम 4 के यहाँ हमने मुकदमा दायर किया है, क्योंकि वो वहाँ वैकेंट है, इसलिए एसीजीएम 6 के यहाँ कोर्ट में वो मामला पेश हुआ, और उन्होंने सतही तौर पे ये बात सही मानी कि जो मैंने कहा वो सही है। उन्होंने थाने से आख्या मांगी है कि आपने मुकदमा दर्ज किया है नहीं किया, अगर आ जाता है मुकदमा दर्ज नहीं किया तो न्यायालय को अधिकार है आदेशित करने का कि मुकदमे को दर्ज करके आप कानूनी कार्रवाई करें, और इसमें 6 तारीख लग गई है 6 जुलाई। पूर्व विधायक दिल्लू राम ने आज एक प्रेस वार्ता कर पोल खोल अभियान की कवरेज कर रहे दो पत्रकारों पर ताबड़तोड़ हमले की घोर निंदा की। पोल खोल अभियान के तहत विधायक कुलवंत की 12वीं की परीक्षा को लेकर अभियान चला रहा था। कांग्रेस पार्टी में से जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के लोग हैं, उनका मान सम्मान किया। 10 साल पीछे सरकार में आपने देखा होगा किसी भी पत्रकार पे कोई इस तरह की बात नहीं हुई, हुड्डा साहब के राज में आपने देखा है। मेरे को भी राजनीति में 82 से लेके अब तक 8 इलेक्शन मैंने आपके सामने पेश किए हैं, 3 दफ़ा आप लोगों ने जिताया है, बाकी हराया भी है, जीत हार तो बनी हुई है। लेकिन एक बात मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि 2 साल इस सरकार को निकल गए, 3 साल बाकी रह गए, फिर भी तो आप लोगों के बीच में रहना है, कहाँ चले जाएंगे? जैसा को बोएगा काटना तो पड़ेगा, जैसा को वार करेगा उसका उत्तर वैसे ही उसको मिलेगा। तो आपकी तो कोई पार्टी है ही नहीं, आप तो पत्रकार हैं, मीडिया के लोग जो हैं उनकी क्या पार्टी है? वो तो सबके लिए लिखना है, उन्होंने अच्छे के लिए अच्छा लिखेंगे, जो गलत करेगा उसका गलत लिखेंगे। इस करके कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही जो मीडिया वाले जितने भी सज्जन हैं
उनका मान सम्मान करते रहिए, चाहे कुछ छोटा है चाहे बड़ा है। आपने देखा हो तो जो चारों तरफ शोर है कि हमारे विधायक ने 10+2 की जो डिग्री है, 10+2 की डिग्री है, वो फर्जी तरीके से हथियाई है, यानी नकल मारी है, मुन्ना भाई MBBS वाले प्रोसेस किया है, तो आपकी क्या राय है? क्या जो शोर है क्या ये बेतुका है या इसमें कोई सच्चाई है? ऐसे है बारको जी, अगर कहीं आग लगती है ना थोड़ी घनी तो धुआं तो उठता ही, आग से पहले धुआं उठता है, आग तो बाद में आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच है जो आप मीडिया वाले इतने कुछ कह रहे हो। नजदीक आते ईद के त्योहार और शुरू होने वाली कांडव यात्रा को ध्यान में रखते हुए आज समीक्षा बैठक करने के लिए प्रदेश के गृह प्रमुख सचिव देवाशीष पांडे और DGP जावेद अहमद मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पड़ोसी देश में हो रही आतंकी गतिविधियों को देखते हुए इन त्योहारों को संवेदनशील मानते हुए सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद ने विस्तार से पूरा प्लान बनाया है, ईद का त्यौहार जो है वो सकुशल संपन्न हो, और उसी प्रकार जो कांवड़ मेला है उसकी भी बहुत व्यापक बंदोबस्त संबंध में भी उन्होंने तैयारी की है, और जो उनकी तैयारी हम लोगों को संतोषजनक लगा, लेकिन हम लोगों ने ये उनको पूरी एहतियात बरतना और जो हाल में घटनाएँ नेबरिंग हमारे पड़ोसी देश में हुआ और अन्य जगह में हुआ है उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ये त्यौहार को सेंसिटिविटी के ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अलर्टनेस के साथ और पूरा विजिलेंट रहना है और उस त्यौहार को संपन्न कराना है। जो फोर्स और अन्य साधन की आवश्यकता थी है, और हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ जनता के सहयोग से, यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं उनके सहयोग से हमारे अधिकारी इन दोनों त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएंगे। कितना फोर्स आपने दिया है? हमारा ये मीटिंग एक रेगुलर तौर पर हम लोग शांति व्यवस्था, और चूंकि अभी त्यौहार है, अभी हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी, लखनऊ से पूरे मंडल कवर किए, अभी मेरठ और सहारनपुर कवर किए, आगे आने वाले दिनों में और जगह पर हम लोग जाके वहाँ पर व्यापक रूप से कितने लोग की उम्मीद आने की है, वो सारे विवरण आपको IG जोन यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। मतलब सबसे हर बार आप लोग कहते हैं DJ नहीं बजने देंगे, आप लोगों का जो इस बार भी डाक तो उसमें कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये सब जो है शांति व्यवस्था बना रहे, ये तो जनता के सुरक्षा के लिए और जनता हिफाजत से पूरा त्यौहार बने इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हम चाहेंगे कि सभी रूट डाइवर्शन वगैरह डिटेल प्लान आपको IG जोन और DIG साहबान आपको उपलब्ध करा देंगे, उन्होंने विस्तार से सब बना लिया है, और रूट्स पे भी मान लीजिए कोई घटना घटित होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, उसका भी एम्बुलेंस की व्यवस्था और आपका हॉस्पिटल्स कहाँ पर ले जाएंगे ये सभी प्लान बना रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ और व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे बाएं जो छोर पर साइड में नॉर्मली आपका वो लगता है भंडारा वगैरह, तो उसको उस तरफ ही लगाया जाए जिससे कि लोग क्या है भंडारा के चक्कर में वो घूमते जाते हैं फिर एक्सीडेंट होती है, तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे चीज़ें उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रयास ये होगा कि कोई जीरो एक्सीडेंट रहे और बहुत ही अच्छे से संपन्न हो। सारे जो सुविधाएं हैं पानी बिजली, जहां जहां सड़क की रिपेयर होने की आवश्यकता है वो भी उसको युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और हमें पूरा उम्मीद है कि यहां के जनता के सहयोग से ये सब त्यौहार हमारा अच्छे से संपन्न।